दोस्तों, तो पिछले न्यूज में मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन्स की जो लिस्ट बताई थी उसमें गैलेक्सी A54 के ऊपर अपडेट दिया था। तो फाइनली इसकी जो इंडिया लॉन्च डेट है वो भी कंफर्म हो गई है। 6 जून को यह इंडिया में लॉन्च होने वाला है एंड यह फ्लिपकार्ट पर सेल में आने वाला है। साथ में स्पेसिफिकेशन के तौर पर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें एक जिनोस 1380 का चिपसेट आने वाला है एंड इसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। इसमें OIS का भी सपोर्ट मिलने वाला है एंड पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इसके रिगार्डिंग लीक्स बाहर आ रहे थे एंड फाइनली अब इसकी लॉन्च भी कंफर्म हो गई है। तो 6 जून को यह लॉन्च होता है एंड जैसे इसकी प्राइस बाहर आएगी सब कुछ आगे अपडेट दूंगा। तो वेलकम बैक दोस्तों, फिर से एक नया टेक न्यूज में आपका स्वागत है एंड आज की भी जो टेक न्यूज है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगता है जरूर से एक लाइक करके जाना। अभी इसमें बात कर ली तो वो OnePlus के तरफ से निकल के आ रही है। OnePlus 12 के रिगार्डिंग भी कुछ लीक्स सामने आए हैं एंड इसे लॉन्च होने में अभी काफी टाइम है क्योंकि न्यूज आ रही है कि इस साल के दिसंबर में पहले यह चाइना में लॉन्च किया जाएगा एंड लीक्स आ रही है कि इसे स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट पर लॉन्च किया जाने वाला है एंड इसमें बड़ी डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाली है, साथ में अच्छे कैमरा एंड बड़ी बैटरी भी इसमें देखने को मिलेगी। तो OnePlus 11 5G को ऑलरेडी इंडिया में काफी ज्यादा पसंद किया गया है एंड रिसेंटली OnePlus 11 का जो स्पेशल एडिशन है यानी मार्बल ओडिसी एडिशन उसे भी लॉन्च कर दिया गया है एंड 6 जून से इसकी सेल भी स्टार्ट होने वाली है। तो जहां तक बात रही OnePlus 12 की, तो पहले इसे चाइना में लॉन्च किया जाएगा एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर इसे ग्लोबली लॉन्च किया जाने वाला है। तो लॉन्च में तो अभी काफी टाइम है ही। और इंग्लिश की बात कर लूँ तो वो रेडमी की तरफ से निकल के आ रही है, रेडमी नोट 12T प्रो को फाइनली चाइना में लॉन्च कर दिया गया है एंड इसकी मैं अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर लूँ तो इसमें 144Hz LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में इसे डायमेंसिटी 8200 अल्ट्रा चिपसेट पर लॉन्च किया गया है एंड साथ में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर। एंड अगर मैं प्राइस की बात कर लूँ तो जो बेस वेरियंट है वो 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज को तकरीबन 15991 में लॉन्च किया गया है, तो थोड़ा सा महंगा भी है एंड इसमें 12GB रैम के साथ 512GB स्टोरेज को भी लॉन्च किया गया है तकरीबन 1991 में। तो चाइना में तो लॉन्च हो ही गया है एंड न्यूज भी आ रही है कि इसे इंडिया में भी लॉन्च किया जाने वाला है। तो यह एक रीब्रांडेड फोन होगा, जब इंडिया में लॉन्च होगा तो आप जानते हो कि डिफरेंट नेम से इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च करता है। तो एक तो इसे रेडमी K60i के नाम से लॉन्च किया जा सकता है, ऐसी न्यूज आ रही है। तो जैसे ही इंडियन लॉन्च की कुछ अपडेट आती है फिर बात करेंगे इसके ऊपर। इसके अलावा जो गैलेक्सी S23 FE यानी फैन एडिशन, उसकी जो यूरोपियन वेरिएंट है उसकी टेस्टिंग चल रही है एंड लीक्स आ रही है कि इसे एक्जिनोस 2200 नहीं तो 2300 चिपसेट पर लॉन्च किया जा सकता है। एंड जहां तक बात रही एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की, तो इसे Q4 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो लॉन्च में अभी काफी टाइम है एंड इसके रिगार्डिंग और भी काफी सारे लीक्स आते ही रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अपकमिंग है स्मार्टफोन्स में मैंने ओप्पो रेनो 10 सीरीज के ऊपर भी अपडेट दिया था, यह ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो गया है एंड जून के मंथ में यह इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, अराउंड लास्ट वीक ऑफ जून में यह लॉन्च होते हुए दिखेगा। तो इसमें 3 फोन्स लॉन्च होने वाले हैं एंड अगर मैं प्राइस की बात कर लूँ तो उसकी भी लीक्स बाहर आ गई है। रेनो 10 का जो बेस वेरिएंट होगा वो इंडिया में अराउंड 32-33,000 के प्राइस में लॉन्च होते हुए दिख सकता है। वहीं पर जो रेनो 10 प्रो है का प्राइस अराउंड 40,000 के आसपास होने वाला है एंड जो रेनो 10 प्रो प्लस है उसका प्राइस अराउंड 45,000 के प्राइस रेंज में ही देखने को मिलेगा। तो काफी कुछ बाहर आ चुका है एंड अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर लूँ तो रेनो 10 को स्नैपड्रैगन 778 प्लस चिपसेट पर लॉन्च किया जाएगा एंड रेनो 10 प्रो को डायमेंसिटी 8200 एंड साथ में रेनो 10 प्रो प्लस को स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन्युइन चिपसेट पर लॉन्च किया जाने वाला है। तो देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं एंड मैं आपको बता दूं कि रेनो 10 सीरीज एक कैमरा सेंट्रिक फोन होने वाला है, तो इसका जो कैमरा है वो अच्छे फोटोज को क्लिक करेगा एंड जनरली देखा जाए तो ओप्पो के लगभग स्मार्टफोन कैमरा सेंट्रिक ही होते हैं। जैसे ही यह लॉन्च होता है फिर आगे इस पर सब कुछ अपडेट देने वाला हूँ। वैसे दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जितने भी अपकमिंग स्मार्टफोन्स के ऊपर मैंने अपडेट दिया है उनमें से किस स्मार्टफोन के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। तो फाइनली दोस्तों, आज का हमारा टेक न्यूज यहीं पर समाप्त होता है एंड आज की जितनी भी टेक न्यूज थी उसमें से कौन सा न्यूज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ में अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूलना एंड जो लोग भी नए हो जो हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करें तो किस बात की देरी भाई, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड रेगुलर बोल रहा हूँ कि इस चैनल का जो रीच है वो बहुत ही कम है, तो वीडियोज देखने के साथ साथ चैनल को भी आप सपोर्ट करते रहो, ठीक है। साथ में आप लोग मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ एंड जिन लोगों ने पिछले दिन का टेक न्यूज नहीं देखा मैं ऊपर कार्ड सेक्शन में दे दे रहा हूँ, आप उसे भी जरूर जाके वॉच
कर सकते हो। तो फिलहाल इस टेक्निक में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेक्निक में, तब तक ले स्टे सेफ एंड बाय बाय।